विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है वो हर गांव में नहीं हो रहा है, कई जगह हो रहा है। हो सकता है राजनीतिक तौर पर यह स्ट्रेटेजी हो, एक रणनीति बनाई गई हो, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इस मामले को लेकर भी अब वार पलटवार हो रहा है। विरोध की कुछ तस्वीरें भिवानी से भी सामने आई है। विरोध बड़े स्तर पर था, छोटे स्तर पर हम फिर उस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन हाँ अब नेता उन विरोध का सामना करके ये भी कोशिश कर रहे जानने की कि विरोध कर कौन रहा है, क्या ये प्री प्लान्ड सब कुछ है, ये आम लोग हैं या फिर किसी पार्टी से संबंधित है। दुष्यंत चौटाला की बात करते हैं। दुष्यंत चौटाला के चुनाव प्रचार के दौरान एक शख्स सामने आ गया, वो युवक उनका विरोध करने लगा। अब ये विरोध किस लिए था ये दुष्यंत चौटाला ने खुद जानना चाहा। ये तस्वीर आप देखिए। इसके बाद दुष्यंत चौटाला ने उस युवक को अपने पास बुलाया, उसको पकड़ा, पूछा, समझाया। बड़ी बात यह थी कि दुष्यंत चौटाला उसे जानते थे, जिस तरह से वो नाम ले रहे थे ये हमने सुना, हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले मैं आपको पूरा मामला बता दूं। इसके बाद हुआ ये कि दुष्यंत चौटाला ने जो भी कहा उस व्यक्ति से वो ये था कि राजनीतिक तौर पर आप मेरा विरोध कर रहे हैं, पार्टी का विरोध मत कीजिए। वो बातचीत आप सुनिए, आपको समझ आ जाएगा कि असल में विरोध क्या है और क्या मुद्दा है, दुष्यंत चौटाला ने क्या कहा, वो युवक क्या कह रहा था, सब कुछ इस तस्वीर में। वो स्माइल करते हुए भी दुष्यंत चौटाला कुछ देर के लिए नजर आए, तो थोड़ी देर के लिए वो ऐसा लग रहा था नाराज भी दिखाई दी। सुनिए। बिल्कुल खूब हो गया, तू नहीं आया इनेलो में, इसे विरोध कर। ना ना बिल्कुल भी नहीं, पार्टी का विरोध मत कर। नहीं एक बात बताओ, आपका पिताजी ने कहा बीमारी,